हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉपिक स्टडी चैनल पर। और हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 17 ऑफ नवंबर के। ठीक है, ये हेल्पफुल हो सकते हैं जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबके लिए ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहीं पास में आप देख सकते हो टॉपिक स्टडी के बगल में एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो तो आप हमारे चैनल के अपडेट्स पा सकोगे। एंड इसके साथ ही साथ एक बेल आइकन है, आप अगर उस पर क्लिक करते हो तो जितनी भी नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको ईजिली मिल जाया करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज से मैं आपसे एक बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगी स्टैटिक जीके के। ठीक है, क्योंकि करेंट अफेयर्स के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि स्टैटिक क्या चल रहा है एग्ज़ाम में, तो दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज सबसे इजी क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं, सबसे इजी, कि काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में किस रोग से संबंधित शोध पर सहयोग करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि भारत और ब्रिटेन ने, उन दोनों ने मिलकर एक समझौता किया है किस बीमारी को लेकर। तो इन्होंने कैंसर को लेकर आपस में समझौता किया है और ये उन्होंने 15 नवंबर को किया है अभी ही। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि ये 5 साल तक ये समझौता इनके बीच में बरकरार रहेगा। और जैसे कि भारत और ब्रिटेन के प्रत्येक 5 कैंसर विशेषज्ञों ने के एक एक सलाहकार जो होंगे वो बोर्ड द्वारा इस पहल की निगरानी की जाएगी। तो ये थोड़ी सी डिटेल है, बट यहाँ आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है। आपको ध्यान रखना है कि भारत एंड ब्रिटेन जो समझौते पर कार्यरत है वो है कैंसर बीमारी से। ठीक है, वो कैंसर बीमारी पे निगरानी कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने रोगुन जल विद्युत परियोजना लॉन्च की? तो देखिए, हमारा ऑप्शन हो जाता है डी, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के द्वारा रोगुन जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया गया है और ये दक्षिणी तजाकिस्तान में जो वक्स नदी है उस पर बनाया गया है। ये परियोजना तजाकिस्तान में जितने भी घरेलू ऊर्जा की जो कमी है वहाँ उसे खत्म करेगी और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बिजली निर्यात करने में भी सक्षम होगी। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो रोगुन जल विद्युत परियोजना है ये किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये तजाकिस्तान ने किया है और हमारा ऑप्शन हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने अल बुराक नाम की पहली हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन किया है? ठीक है, पूछा जा रहा है किस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन किया गया है और जिसका नाम है अल बुराक। तो ये किया गया है अफ्रीका के द्वारा। ठीक है, अफ्रीका की ये पहली हाई स्पीड ट्रेन है जिसका अनावरण किया गया है, जिसका उद्घाटन किया गया है। ये फ्रांसीसी, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमानुअल मैक्रोन और मोरक्को के जो राजा है ना मोहम्मद, ने उन दोनों ने मोरक्को की ये पहली हाई स्पीड रेल लाइन का उद्घाटन किया है जो अफ्रीका में भी पहली ऐसी पहली रेल लाइन है। तो हम तो इसमें देश की बात कर रहे हैं तो हमारा अफ्रीका ए डी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, और बस इतना ध्यान रखना है, इसमें और डिटेल में नहीं जाना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अल बुराक जो है ये अफ्रीका के द्वारा लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मिनिस्ट्री द्वारा नई दिल्ली में 2 नई पहल लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम तथा एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टचिंग लॉन्च की गई है? देखिए, नई दिल्ली में 2 तरह के प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान देना है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ये ए, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने नई दिल्ली में 2 नई पहल की लॉन्च की है, जैसा कि ये लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम जो है ये सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में ना वो सेकेंड लेवल के जितने भी अकादमिक क्षेत्र के लोग हैं ना उन्हें 3 सप्ताह का अग्रणी नेतृत्व विकास परीक्षण का कार्यक्रम है, उसमें वो लोगों को ट्रेन करेंगे। लाइक 2 सप्ताह का घरेलू और 1 सप्ताह का विदेशी प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, और अगर मैं एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग की बात करूं तो इनका उद्देश्य है कि मान लीजिए कि दूसरे स्तर के जितने भी अकेडमिक प्रमुखों को है वो भविष्य में मतलब
वो एक लीडरशिप की तरह काम करे, ये सारा इनका उद्देश्य है, तो बस ये जान के रखना है हमें, ठीक है। तो मेन चीज़ है ये मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तुम्हारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018 शुरू की गई है? तो ये शुरू हुई है उड़ीसा की सरकार के द्वारा, ठीक है। उड़ीसा की सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी निवेश नीति लॉन्च की है, शुरू की है। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस 15 वर्षीय कश्मीरी छात्र ने 15 नवंबर से 10 नवंबर 2018 तक अर्जेंटीना में जो वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप चली है उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो पहली चीज की ये हमारे भारत की हैं और ऊपर और फिर ये कश्मीर भारत के हैं और फिर ये कश्मीरी छात्र हैं जो 15 साल के हैं केवल, और उन्होंने बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है, और इनका नाम है आबिद हामिद, ठीक है, आबिद हामिद। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, आबिद हामिद, याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, आबिद हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कौन सी पुरस्कार शुरू किए हैं? देखिए, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है FSSAI के द्वारा एक नया पुरस्कार इन्होंने लॉन्च किया है, और इस पुरस्कार का नाम है ईट राइट। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, ईट राइट। तो देखिए, हम ये समझते हैं कि ये ईट राइट जो है इसका उद्देश्य क्या है, ये ईट राइट के तहत होगा क्या कि खाद्य भंडारण में पहली बात तो है, मान लीजिए उनके जो उद्यम है उन्हें और बढ़ावा दिया जाए, उनमें और नवीनीकरण लाया जाए, ठीक है। और मेनली इनका फोकस रहेगा कि जितने भी स्टार्टअप होते हैं ना खाद्य संबंधित, उसको वो स्थापित करेंगे बहुत ही ईजली उसमें, मतलब उसे बढ़ावा देकर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और उसके बाद वही होगा कि उसमें जो प्रतिष्ठित पेशेवर होंगे या विशेषज्ञ होंगे उन्हें विजेता घोषित किया जाएगा ईट राइट जो है वो ये पुरस्कार देकर। तो ये समझ में आ गई ईट राइट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया है? तो इन्होंने, ये यस बैंक के अभी तक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है अशोक चावला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है डी, अशोक चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखिए इसमें हम बात करेंगे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो कि है हमारी हरसिमरत कौर बादल जी, उनके द्वारा महाराष्ट्र के किस जिले में दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो पहले तो ये जान लेना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो पहला मेगा फूड पार्क है वो कहाँ है। तो महाराष्ट्र के जो सतारा जिला है ना, वहाँ उनका पहला फूड पार्क है, और अब इन्होंने दूसरा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कर दिया है, ये औरंगाबाद जिले में किया है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। देखिए, जो सतारा में, सतारा जिले में जो की गई थी ना, वो पहले फूड पार्क थी महाराष्ट्र की, जो 1 मार्च 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था। और हाँ, अभी जो औरंगाबाद जिले में की गई है ये 15 नवंबर को की गई है। तो ये दो चीज़ क्लियर हो गई है, तो बस ये इतना ध्यान देना है कि ये दूसरा मेगा फूड पार्क जो है, मेगा फूड पार्क जो है ये औरंगाबाद जिले में उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस दिन विश्व दर्शन दिवस पूरे विश्व में मनाया गया? तो हमने अभी अभी विश्व दर्शन दिवस सेलिब्रेट किया है होल वर्ल्ड में, और ये हमने सेलिब्रेट किया है 15 नवंबर को। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, 15 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है चलते हैं। कब से कब तक आदि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो आदि महोत्सव पहले है क्या, ये समझ लेते हैं हम कि आदि महोत्सव मना क्यों रहे हैं। देखिए, ये जो आदि महोत्सव है ना, इसका विषय जनजातीय संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और वाणिज्य से ये तात्पर्य रखता है। इस महोत्सव में जितने भी जनजातीय कला, शिल्प की वस्तुएं, जनजातीय दवाएं और चिकित्सा, जनजातीय व्यंजन, इन सब का प्रदर्शन किया जाएगा और इनकी बिक्री की जाएगी। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये कब से कब तक आयोजित होगी। तो ये 16 नवंबर से आयोजित हो चुकी है एंड ये 30 नवंबर तक चलेगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गई, और ये दिल्ली में ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस हमने सेलिब्रेट किया है 16 नवंबर को। तुम्हारा ऑप्शन हो जाता है सी, 16 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हमने किस दिन सेलिब्रेट किया है? तो ये हमने किया है 16 नवंबर को, और इसमें मेन इन्होंने इस बार फोकस किया था कि जितने भी महिला और जितने भी युवा है ना, वो किस तरह से सहिष्णुता फैलाने में देश में सफल हो रहे हैं, इन चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया है। बट हाँ, आपको ध्यान बस ये देना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस थी, ये कब हमने सेलिब्रेट किया है, ये हमने किया है 16 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 दिवसीय तीसरा भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? देखिए, अभी अभी इन्होंने ना एक चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल
सेलिब्रेट किया है, ये इम्फाल में किया गया है। अगर इम्फाल में बात कर रही हूँ तो इम्फाल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये किस राज्य में है। एनीवेज देखिए, मेघालय में इसे सेलिब्रेट किया गया है, मेघालय के इम्फाल में, सॉरी शिलोंग में। ठीक है, तो शिलोंग में इन्होंने, मेघालय में जो शिलोंग में उन्होंने, शिलोंग शहर में इसे सेलिब्रेट किया है। ये त्यौहार जो है शरद ऋतु के फूल हिमाली चेरी ब्लॉसम का जश्न मनाता है। शरद ऋतु में एक फूल होते हैं, ठीक है, उसे चेरी ब्लॉसम हम कहते भी है। चेरी ब्लॉसम आपने फूल देखे होंगे, तो उसका ही वो लोग एक तरह से जश्न मनाते हैं इस त्यौहार में। और भी सारी चीज़ें होती है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये मेघालय में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नवंबर से 3 नवंबर 2018 तक छठा भारतीय सामाजिक कार्य कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये जो छठा भारतीय सामाजिक कार्य कांग्रेस है, यानी दिल्ली में हुई है 1 नवंबर से 3 नवंबर तक। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने अपने कर्मियों को सेवा प्रशिक्षण देने के लिए किस ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया है? देखिए, एक ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है ताकि उनके जितने भी मतलब मान लीजिए पुलिस में जितने भी लोग हैं उनके कर्मियाँ, उन्हें वो और अच्छे से उस चीज़ों की प्रशिक्षण दे पाए, तो और इसके लिए उन्होंने एक ई लर्निंग पोर्टल दी है। ठीक है, उस पोर्टल से वो ट्रेन करेंगे उन्हें। ठीक है, तो इस पोर्टल का क्या नाम है? इस पोर्टल का नाम याद रखना है निपुण। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है 1, निपुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड भारत का पहला ऐसा इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड है जिसमें बटन दिया गया है, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये याद रखना है कि एक तो पहला ऐसा क्रेडिट कार्ड आया है ना जिसमें बटन है, इसमें 3 बटन दिए हुए हैं। तो होता क्या था कि पहले हम एटीएम में जो बटन्स होते थे उस पर प्रेस करते थे, आप और जो ये क्रेडिट कार्ड है ना, आप इसमें ही बटन को प्रेस कर लोगे तो ये आपके काम में हो जाएंगी। तो ये किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। ठीक है, इंडसइंड बैंक के द्वारा, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिजोरम के नए निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो आसिन स्कुंद्रा जी मिजोरम के नए अधिकारी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जो 2020 मुकाबले में किसी भी पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी से अधिक रन बना चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमारी जो भारत की ये महिला खिलाड़ी है, उन्होंने 2020 में पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बना लिया। इनका नाम है मिताली राज। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2019 में जो होगा उस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, उनका नाम क्या है? इसमें एक बात मैं बता दूँ कि ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हमारे भारत आ रहे हैं गणतंत्र दिवस पे। इसके पहले नेल्सन मंडेला आ चुके हैं और अब आएंगे, तो इनका नाम है साइरिल रामफोसा। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं और ये जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को 2019 में होगी, इस पे ये हमारे भारत में शरीक होंगे गणतंत्र दिवस में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, साइरिल रामफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय धाविका को यूनिसेफ इंडिया का यू एम्बेसडर चुना गया है, उनका नाम क्या है? भारतीय धाविका वो कौन है जो यूनिसेफ इंडिया की यू एम्बेसडर होंगी? इनका नाम है हीमा दास। हम सभी जानते हैं हीमा दास को, तो हीमा दास जो है धाविका है पेशे से, इन्हें ही यूनिसेफ इंडिया का एम्बेसडर चुना गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके 17 नवंबर के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए